Hello everyone, how are you all? A very warm welcome to all of you. Myself Vanchika, today I'm going to teach you science. Kids, aaj hum science start karne ja rahe hain, chapter number 1, types of plants. To ma'am ne yahan pe book already open ki hui hai. Hum iski last line se start karte read karna. We can see many different kinds of plants around us. Hum apne aas paas bahut sare alag alag tarike ke plants dekhte hain. दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. सभी प्लांट्स अलग अलग शेप के और अलग अलग साइज के होते हैं. सम प्लांट्स आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग व्हाइल सम प्लांट्स आर स्मॉल एंड वीक. कुछ प्लांट्स बड़े बड़े होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ प्लांट्स स्मॉल होते हैं और वीक होते हैं. ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़ेंगे. ठीक है, कि कौन कौन से तरीके के प्लांट्स होते हैं. On the basis of their size, we can divide plants into many groups. उनके साइज को देखते हुए प्लांट्स को अलग अलग तरीके से डिवाइड करा जा सकता है. Big and tall plants are called trees. बड़े और टॉल प्लांट्स को कहते हैं ट्रीज. ठीक है, स्मॉलर प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स. और जो छोटे प्लांट्स होते हैं उन्हें हम श्रब्स कहते हैं या फिर उन्हें बुशेस कहते हैं. Still shorter plants are herbs, grasses, creepers and climbers. और जो उससे भी छोटे plants होते हैं उन्हें या तो grass कहते हैं, herbs कहते हैं, climbers या creepers कहते हैं. ठीक है, अब हम first of all पढ़ेंगे trees के बारे में. Big and strong plants are called trees. बड़े बड़े plants और जो बहुत strong होते हैं उन plants को कहते हैं trees. Trees have a thick, hard woody stem called trunk. ट्रीज की जो स्टेम होती है थिक होती है, मतलब मोटी होती है, बहुत हार्ड होती है, आराम से आप उसे खींच नहीं सकते. वुडी होती है, मतलब बहुत वुड की बनी होती है और इसको हम ट्रंक कहते हैं. ये हिस्सा जो होता है इसको हम ट्रंक कहते हैं. ठीक है, हायर इट हेल्प्स द ट्री टू स्टैंड अपराइट. और ये जो ट्रंक होता है ये ट्री को सीधा खड़े रहने में मदद करता है. इट हायर अप द ट्रंक डिवाइड्स इनटू मेनी ब्रांचेस. और जैसे जैसे ये ट्री बड़ा होता है ये ना मेनी मेनी अलग अलग ब्रांचेस जो है इसकी निकल जाती हैं. ठीक है, ट्री सच एज मैंगो, नीम, पीपल, बैनियन एंड कोकोनट कैन लिव अबाउट 100 years और मोर. जैसे कि मैंगो ट्री है, नीम ट्री है, पीपल ट्री या बैनियन ट्री, ये सब क्या होते हैं, ये हंड्रेड्स ऑफ इयर्स तक 100 सालों तक जीते हैं. तो ट्रीज के एग्जांपल क्या है, मैंगो ट्री, नीम ट्री, पीपल ट्री, बैनियन ट्री एंड कोकोनट ट्री. अब आप देख सकते हो कितने बड़े हैं और कितने स्ट्रॉन्ग हैं. नेक्स्ट कम्स श्रब्स. श्रब्स क्या होते हैं, ट्री से छोटे होते हैं. श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज. श्रब्स जो होते हैं वो ट्री से छोटे होते हैं. They do not grow high. वो ज़्यादा बड़े नहीं होते. They have a bushy look. और बहुत bushy से सुंदर से दिखते हैं. They bear branches all over. उनकी हर जगह जगह पे branches होती है. जैसे आप देख सकते हो ये जो अलग अलग निकल रही है ना इन्हें branches कहते हैं. ठीक है, They bear branches all over and they have hard, thin and woody stem. उनकी stem जो होती है वो hard होती है लेकिन thin होती है मतलब पतली होती है और वुडी होती है मतलब लकड़ी की होती है. श्रब्स सच एज रोज, कॉटन, जैस्मीन, मेहंदी एंड हिबिस्कस कैन लिव फॉर अ फ्यू इयर्स. श्रब्स कौन कौन से, जैसे कि रोज प्लांट, कॉटन प्लांट, जैस्मीन प्लांट, मेहंदी प्लांट एंड हिबिस्कस प्लांट, ये सब होते हैं, ये फ्यू इयर्स कुछ ही सालों के लिए जीते हैं, इनकी लाइफ सिर्फ थोड़े ही सालों की होती है. नेक्स्ट कम्स हर्ब्स. अब हम पढ़ेंगे हर्ब्स के बारे में. Small leafy plants are called herbs. सबसे बड़े होते हैं trees, उससे छोटे होते हैं shrubs और उससे भी छोटे होते हैं herbs. Herbs क्या होते हैं, छोटे छोटे leafy plants जिनमें leaves होती हैं बहुत सारी और उनको कहते हैं herbs. They have soft and green stem. उनकी जो stem होती है वो soft होती है, मतलब hard नहीं होती, thick नहीं होती, thin नहीं होती, soft होती है और green color की होती है. दे आर सीजनल प्लांट्स. ये सीजनल प्लांट्स होते हैं मतलब अपने सीजन में ही उगते हैं. दे लिव फॉर अ शॉर्ट पीरियड. ये कुछ ही टाइम जीते हैं. वन सीजन इन अ ईयर. एक सीजन में, मतलब सीजन में एक साल ही जी पाते हैं.
जैसे कि ग्रास, मिंट, तुलसी, लिली, सनफ्लावर, कोरिएंडर एंड मैरीगोल्ड आर सम हर्ब्स। हर्ब्स के एग्जांपल कौन से होते हैं? ग्रास, मिंट, तुलसी, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, ये सारे होते हर्ब्स। हर्ब्स फ्लावर वंस एंड देन डाई, ये हर्ब्स फ्लावर एक बार उगता और फिर डाई मर जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट कम्स आर क्लाइंबर्स। अब हम पढ़ेंगे क्लाइंबर्स के बारे में। सम प्लांट्स कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट ऑन देयर ओन बिकॉज दे हैव वेरी वीक स्टेम। कुछ प्लांट्स अपने आप से खड़े नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि उनकी स्टेम जो होती है बहुत ज़्यादा ही वीक होती है। दे नीड सपोर्ट टू ग्रो स्ट्रेट, उन्हें सपोर्ट चाहिए होता है, कोई सहारा चाहिए होता है सीधे खड़े रहने के लिए। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, और जिन प्लांट्स को सहारा चाहिए होता है उन प्लांट्स को कहते हैं क्लाइंबर्स। सम क्लाइंबर्स लाइक पी एंड ग्रेप पाइन हैव थ्रेड लाइक ऑर्गन कॉल्ड द टेंड्रिल। कुछ प्लांट्स का ना एक थिन लाइक ग्रेप पाइन है, जैसे पी और ग्रेप पाइन आप देख सकते हो, इनकी ना थिन थिन थ्रेड्स होती है, ये थ्रेड्स होती हैं जो इन्हें कहते हैं हम टेंड्रिल्स। ठीक है, इनमें से थ्रेड निकलती हैं, इन्हें टेंड्रिल कहा जाता है। इट हेल्प द क्लाइंबर प्लांट्स टू सपोर्ट, ये क्लाइंबर प्लांट्स को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, मनी प्लांट, बिटर गार्ड एंड बीन, मनी प्लांट, बिटर गार्ड एंड बीन्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंबर्स। ठीक है, नाउ कम्स ऑन नेक्स्ट पेज, क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं? क्रीपर्स आर प्लांट्स विद वेरी वीक स्टेम्स। क्रीपर्स वो प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम बहुत ही ज्यादा वीक होती है। दे डू नॉट क्लाइंब ऑन अ सपोर्ट, वो क्लाइंब, दे डू नॉट क्लाइंब ऑन अ सपोर्ट, वो सपोर्ट से खड़े नहीं होते हैं। दे क्रीप अलोंग द ग्राउंड, वो ग्राउंड के अंदर ही रहते हैं। दे आर कॉल्ड क्रीपर्स, इसलिए इन्हें क्रीपर्स कहते हैं, जैसे कि पम्पकिन, कुकुम्बर, स्ट्रॉबेरी, स्वीट पोटैटो एंड वाटरमेलन आर सम एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर्स। ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं क्रीपर्स के जो कि ग्राउंड में ही रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम्स वाटर प्लांट्स। वाटर प्लांट्स क्या होते हैं? सच प्लांट्स सच एज लोटस, वाटर हाइसिंथ ग्रो इन वाटर, मोस्ट वाटर प्लांट्स आर हर्ब्स। जो प्लांट्स वाटर में उगते हैं उन्हें वाटर प्लांट्स कहते हैं, जैसे कि लोटस और वाटर हाइसिंथ, ये प्लांट्स होते हैं दोनों जो पानी में उगते हैं। एंड मोस्ट वाटर प्लांट्स आर हर्ब्स, और वाटर प्लांट्स को क्या कहा जाता है? हर्ब्स। ठीक है, नेक्स्ट कम्स थॉर्नी प्लांट्स। थॉर्नी मतलब थॉर्न, जिनमें कांटे लगे होते हैं। प्लांट्स दैट हैव थॉर्न्स आर कॉल्ड थॉर्नी प्लांट्स, जिन प्लांट्स में थॉर्न होते हैं, कांटे होते हैं, उन्हें थॉर्नी प्लांट्स कहते हैं, जैसे कि रोज, कैक्टस, एकेशिया आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ थॉर्नी प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स आर इम्पॉर्टेंट। क्या प्लांट्स इंपॉर्टेंट है? कैन यू इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट प्लांट्स? क्या आप अपना वर्ल्ड, अपनी दुनिया बिना प्लांट्स के इमेजिन कर सकते हो? नहीं कर सकते। जस्ट बिकॉज प्लांट्स गिव्स अस ऑक्सीजन, प्लांट्स से हमें सांस लेने को मिलती है, एंड वॉट अबाउट दैट एनी अदर थिंग्स, प्लांट्स से हमें और भी बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। प्लांट्स आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज, प्लांट्स जो है बहुत तरीके से हमारे लिए बहुत मदद करते हैं। दे गिव अस फूड, वो हमें खाना देते हैं, मेडिसिन देते हैं, पेपर देते हैं, फाइबर्स देते हैं एंड मेनी मोर थिंग्स, और भी बहुत सारी चीज़ें देते हैं हमें प्लांट्स। दे कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन, वो हमारी हवा को फ्रेश रखते हैं और क्लीन यानी कि साफ सुथरा रखते हैं। प्लांट्स विद कलरफुल फ्लावर्स मेक आर सराउंडिंग्स लुक ब्यूटिफुल, प्लांट्स जिन पे फ्लावर्स लगे होते हैं ना, उनसे हमारी सराउंडिंग्स यानी कि आसपास की जगह बहुत ब्यूटिफुल लगती है जिन पे फ्लावर्स लगे होते हैं। ट्रीज आर होम्स टू मैनी एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, और जो ट्रीज होते हैं वो बहुत से एनिमल्स के, बर्ड्स के या इंसेक्ट्स के घर होते हैं। आपने देखा जैसे बर्ड्स, मंकीज, ये सब कहाँ रहते हैं? ट्रीज पर रहते हैं, तो वो उनका घर होता है। वी कैन नॉट लिव विदाउट ट्रीज इन दिस वर्ल्ड, हम बिना प्लांट्स के, बिना ट्रीज के इस वर्ल्ड में नहीं रह सकते हैं। ठीक है, हाउ कैन वी सेव प्लांट्स, अब हम प्लांट्स को सेव कैसे कर सकते हैं? वी कैन लुक आफ्टर प्लांट्स अराउंड अस बाय वाटरिंग देम, हम अपने आसपास के सब प्लांट्स को वाटर कर सकते हैं। वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, एंड नॉट
cut them. हमें उन्हें cut भी नहीं करना चाहिए. Lot of trees are cut to make paper. आपको कहते हैं ना कि paper waste नहीं करो. क्यों? क्योंकि बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है तब जाके paper बनता है. इसलिए कहते हैं कि paper को waste मत किया करो. We can save trees by not wasting paper. हम trees की कैसे save कर सकते हैं? Paper waste ना करके. ठीक है? यहाँ पे आपका चैप्टर होता है फिनिश. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. ओके, अब आपके ट्रू फॉल्स है, ये आपको बुक में करने हैं. मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट टू एग्जांपल्स फॉर ईच, टेक राइट द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज योर बुक वर्क. देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दिस इज योर नोटबुक वर्क. आप सबको खुद ट्राई करना है अपना वर्क, ताकि आप अच्छा, अगर आप खुद ट्राई करोगे इसका मतलब आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया. ठीक है? होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. थैंक यू.